पेट्रोल पंप पे पीछे से बाघ से आम लेके आ रहे हैं। चलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू चैनल रुखसाना एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो जल्दी जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो वी आर बैक विद माय अनदर ब्लॉग वीडियो। तो आज का ट्रिप जो अपने लास्ट वीडियो देखी थी तो हमने बताया था कि कुछ स्पेशल आने वाला है, तो वो स्पेशल का दिन आ चुका है। तो आज हम जा रहे हैं अपने फर्स्ट एवर बाइक ट्रिप पर। जी हाँ, आशीष की बुलेट पे हम जा रहे हैं हिमाचल, जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग और रोमांचक भरा होने वाला है। आई डोंट नो कैसे क्या होगा, बट हाँ हम सारी पैकिंग कर चुके हैं। मैं क्या क्या सारा कैरीज करके लेके जा रही हूँ उसका भी ब्लॉग वीडियो आ चुका है। ये वाला वीडियो देखो, उससे पहले वो वीडियो आ ही चुका होगा तो वो भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। अभी हम बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं, 3:30 ऑलरेडी हो चुका है, हमें निकलना था 2:30 बजे, बट हम लेट हो चुके हैं। तो चलिए फटाफट चलते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। आशीष यहाँ पे हमारी बाइक रेडी कर रहा है। बिल्कुल भी रोशनी नहीं है, थोड़ा सा धुंधलापन आ रहा होगा, सो संभाल लेना। और ये हमारी बाइक पे प्रॉपर तो हम अपने दोस्तों से मिल चुके हैं। ये रहे हमारे दूसरे दोस्त। हाँ बस बस, और ये रहा हमारा पावर रेंजर 2, पावर रेंजर 1, और ये हम कौन है, 00। और ये हमारी बाइक है प्रॉपर, सारा लगेज अच्छे से बन चुका है। और ये इनकी गाड़ी का लगेज, ये मोटे कितना बड़ा बैग लेके आए हैं और हम इतना छोटा। अमृत सुखदेव और घर का खाना, हाथ उठाओ, घर का खाना मेड बाय रत्ना। और घर का खाना खाने के लिए अमृत सुखदेव की चाय। वैसे आवाज नहीं जा रही होगी, इसमें कॉफी है, नहीं जा रही। हमारा आलू का पराठा भी आ गया है विद वाइट मक्खन। ये और ये अभी चाय बाकी है हमारी। सो अभी हम अमृत सुखदेव से पेट पूजा करके निकल चुके हैं वापस अपने डेस्टिनेशन की ओर। आशीष और वो राम का लगेज बंधवा रहे हैं क्योंकि उनका लगेज बहुत ज़्यादा डामाडोल हो रहा था, तो हमने दोबारा ओपन करके बांध रहे हैं। होप सो आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही हो। अंदर तो बहुत ज़्यादा शोर था, मैंने बोला बट आई डोंट नो आपको आवाज़ आ रही थी कि नहीं आ रही थी। बट अभी हम पेट पूजा करके वापस अपनी डेस्टिनेशन की तरफ निकल चुके हैं। मैं बहुत छोटी छोटी क्लिप्स में आपको आज का पूरा डे दिखाऊंगी कि कैसे हम कहाँ अपना डे एंड करते हैं रात तक। तो यह पूरा व्लॉग एंड तक ज़रूर देखिएगा। खराब हो चुके हैं, हमने 95 सुखदेव से हम कॉन्टिन्यूस 95 किलोमीटर चल दिए, तो अब हमको थोड़ा रेस्ट चाहिए। तो अभी हम पेट्रोल पंप पे आए हैं, तो 5 मिनट हम रेस्ट करेंगे। और मेरे बालों को इग्नोर कर देना क्योंकि मैंने जस्ट हेलमेट निकाला है। और थोड़ा सा अभी रेस्ट करते हैं, बिल्कुल हालत कमर वमर सब दर्द हो रही है, सो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं यहाँ पर। सिखा लिया, सिखा लिया, इतनी सीखी वो, उसको कुछ नहीं आता, एक बार में कुछ सीखी नहीं आज तक वो। रुको, ऐसे राइडर लग रही है, लग रहा है ऐसा लग रहा है। वो कुछ गिर रहा है यहाँ पे, क्या पकड़िए इसको, कुछ नहीं गिरेगा आगे, ये तो गिर के भी कुछ नहीं होगा, हेलमेट ऐसा। चलो गया तेरा भाई, रो बाइक मत गिरा देना।
बाइक बाज देखो जुराबों में चला रहा है, कैसा फील आ रहा है? ये देखो, हाउ इज द एक्सपीरियंस सर? हाउ इज द एक्सपीरियंस? या लुक अच्छा है। हेलमेट है वहां पे? अच्छा, यहाँ पे रत्ना की हो रही है हालत खराब। हम बाइक पे बाइक ठीक करी जा रहे हैं। बहन अब बैठ जा, अब बैठ जा। अब फाइनली जाके हमने इसको थोड़ा और टाइट किया क्योंकि लगेज बिल्कुल ही आगे आ रहा था बार बार और रत्ना को दिक्कत हो रही थी। अब ट्राई कर ले ओए, अब एक बार बैठ के देख नेक्स्ट पेट्रोल पंप तक आ जा। अब नहीं आएगा राम। अब देख मैंने हमारी बुलेट अभी यहाँ पे खड़ी है। इस बाइक में ना बार बार ये दिक्कत आ रही है कि जो लगेज है ना ये सेंटर में था बिल्कुल। अब यहाँ पे ये ना पता नहीं कैसे ये स्लांट होता जा रहा है, यहाँ पे घसक के ज्यादा हो गया, वहाँ पे बैलेंस कम हो गया, बट अभी भी काफी मजबूत है ये। तो हमने भी छोड़ रखा है और आशीष गया अभी पानी भरने के लिए। बेचारे को बहुत गर्मी लग रही है जैकेट पहन के, बट सेफ्टी फर्स्ट है गर्मी से। वो वहाँ पे रत्ना गुस्सा हो रखी है। देखिए 20 का देखियो, 5 रुपए का मिल जाएगा अपने तो। दो सौ ग्राम 50 का कर दो। ये तो आई बड़ा। हाँ भाई कहाँ से तोड़ के आए हुए हम? ये देखो डेस्टिनेशन के बहुत ही करीब आ चुके हैं और मेरे को मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का, तो हम यहाँ पे रुके हैं आइसक्रीम खाने के लिए। और राम रत्ना पता नहीं किधर ही रह गए, कभी वो आगे हो रहे हैं कभी हम पीछे हो रहे हैं, तो समझ ही नहीं आ रहा। अभी उनका भी वेट करते हैं तो हम मिलके खाएंगे आइसक्रीम। दिख रहा हूँ और ये रही मैं हेलमेट नहीं उतारना चाहती क्योंकि मेरे बाल बहुत खराब हो रखे हैं। मस्त चल रही है ना। कितना अच्छा लग रहा है यार। ऐसे पकड़िए हम दोनों जाए खड़े होते। दिखाइए कंगी को। राम कह रहा आधी कंगी गधी वुडन तो टूट ही जाती ना, क्यों लेके आई रख के? कोई नहीं फेविक्विक से जोड़ लियो, मिल जाएगा रास्ते में। नहीं
स्कॉच होगी, बाकी कप में आपको वनीला और मैंगो नहीं होगी ऐसे स्टिक वाली जो होती है? नहीं वो नहीं है, बच्चे वही मांग रहे हैं, है नहीं। मैडम कितने का सामान दे रहे हो? जगह तो उसी पे जाके खड़ी हुई है। बच्चा पाल लिया राम ने, एक बच्चा पाल लिया। उठा ली आवे, कर ली खड़ी। ब्रेक दबा कर रखते हैं। अभी हमने यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, अब हम जा रहे हैं वापस अपने सोलांग वैली की तरफ। जी हाँ, हम जा रहे हैं आज सोलांग वैली, और उसके बाद देखते हैं हम कौन कौन सी डेस्टिनेशन कवर करेंगे। तो अभी हमने अपने पेट पूजा कर ली और आइसक्रीम बहुत यमी थी, तो चलिए अब फटाफट रेडी होते हैं। रेडी क्या होना, अपना हेलमेट जहाँ उतारो वहाँ डालना पड़ता है। लाइटर आशु लिया था लाइटर हमने? हाँ। आशीष खड़े हो, मैं सनसेट वाली फोटो ले लूं। क्या हुआ? 450 रुपए गोभी के पकोड़े का प्राइस। ओह माय गॉड। सो या अभी हमने लास्ट वीडियो जहाँ पे एंड किया था वो था आइसक्रीम, जहाँ पे हमने आइसक्रीम और राजमा चावल खाए थे। उसके बाद से हम कॉन्टिन्यूस राइड करी जा रहे हैं, क्योंकि हमको काफी लेट हो गया था, अंधेरा होते जा रहा था, तो हमने बस 3 से 4 घंटे कॉन्टिन्यूस बाइक चलाई। उसके बाद हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया, क्योंकि हमें लग रही थी भूख भी और अंधेरा तो हो ही गया था, तो हमने कहा थोड़ा पेट पूजा कर लेते हैं। और प्लीज़ मेरे फेस पे मत जाइएगा, क्योंकि इतनी धूल, इतनी मिट्टी, इतनी टैनिंग थोड़ी बहुत हो गई है, क्योंकि ये फर्स्ट बाइक पे हम 500-600 किलोमीटर की दूर आए हैं। तो फेस प्लीज़ मेरा इग्नोर कर देना, क्योंकि बस बहुत ज़्यादा ही थकावट भी हो चुकी है, बाल पूरे रफ एंड ड्राई हो चुके हैं। अभी हम यहाँ पे किसी ढाबे पे रुके हैं, यहाँ पे हमने चाय पकोड़े ऑर्डर करें, क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज। और अभी हमें हमारी डेस्टिनेशन पर जाने के लिए भी 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, तो अब हम ये चाय पकोड़ा करके उसके बाद फिर डायरेक्ट डेस्टिनेशन की तरफ जाएंगे, और वहाँ जाके देखेंगे कि बाकी सारा चीज़ें कैसे मैनेज होंगी, कैसे नहीं होंगी। अब हट जा, तेरी शक्ल नहीं दिखा रही। चाय और पकौड़े आ गए, ये सही। उठ जाओ, चाय ठंडी हो जाएगी, गर्मा गर्म में मस्त खुशबू आ रही है चाय में से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
चलो हो गया, एक मिनट आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, प्लीज प्लीज प्लीज, बस थोड़ी देर आ जाओ, आ जाओ। नींद आ रही है, बाइक सामने ही दिख रही है। हाय कितनी नींद आ रही है, बस कुछ देर।